5:05 हो रहे हैं और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हम सबसे रिक्वेस्ट करी थी, आप पीछे आवाज़ भी सुन रहे होंगे अभी तक, वही सारी एक्टिविटीज़ करके यहाँ पर, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, बट अपनी सोसाइटी के अंदर देख करके जो गैदरिंग और जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको देख करके मुझे लगा कि सच में हम लोग आज भी यूनाइट हैं। डज़ नॉट मैटर कि किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं और कौन सा भगवान को मानते हैं, बट हाँ सारे लोग एक साथ खड़े हैं और सारे लोग नारे भी लगा रहे थे क्लैपिंग और प्लेट बजाने के साथ साथ कि गो कोरोना गो। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की तो ऐसे ज़रूरी है नहीं जहाँ तक मुझे जो लग रहा है, बट दो आई एम नॉट अ, मतलब बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल जिसके अंदर कि मैं कुछ भी इसके लिए रिकमेंड कर सकूं, जो कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट वगैरह इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ हमारा ये 40-50 रुपए का सेटअप भी अगर हम करते हैं तो विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। एंड जिसमें से ये एक मास्क जो कि मैं यूज़ करता हूँ 8 रुपीज़ का है, ब्लैक में मिल रहा है 15 रुपीज़ का, आप यूज़ करके इसको घर पर खुद ही सैनिटाइज़ कर सकते हैं, डेली ख़रीदने की ज़रूरत है नहीं। ग्लव्स आपने जो देखे हैं ये सर्जिकल ग्लव्स हैं जो कि 10 रुपीज़ के मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ड्यू टू बिज़नेस रिक्वायरमेंट के लिए मुझे इस टाइम ट्रैवल करना पड़ रहा है। थर्ड सैनिटाइज़र जो कि मार्केट में मिल रहा है बट बहुत ही आर्टिफिशियल है, तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं 1 लीटर पानी लेकर के, जिसमें नीम की पत्तियाँ डालिए, तुलसी की पत्तियाँ डालिए, उबाल लीजिए, उसके बाद में फिट करी और ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि ये पुराने ज़माने की पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर जितना हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्योर रहती हैं, तो इन सब के साथ भी हम पूरे दिन अपने आप को सैनिटाइज़ करके रख सकते हैं। बट हाँ, जो क्लोथ सुबह पहने हैं वो घर पे आके शाम को उतार देते हैं और कम से कम घर से जाता हूँ, दैट्स इट। तो ये मेरा 50 रुपीज़ का सेटअप है एंड आई एम हैप्पी कि आज मेरी ट्रेन थी, मुझे निकलना था कहीं के लिए, जो कि एज सजेस्टेड बाई प्राइम मिनिस्टर जी, जिन्होंने मोदी जी ने रिक्वेस्ट करी है कि नहीं आज के दिन हमें कहीं नहीं जाना है, तो मैंने ट्रेन कैंसिल करी है और घर पे ही हैं सारे के सारे। अभी जैसा उन्होंने बोला था सब कुछ कर कर के अभी आया हूँ, साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अब घर में वापसी, दोबारा से थोड़ा सा कुछ ऑफिस का सेटअप करना है, ऑफिस के कुछ थोड़े बहुत काम करने हैं एंड साथ साथ ट्रैवलिंग का तो अभी आई डोंट नो कि मैं कितनी कर पाऊँगा कितनी नहीं कर पाऊँगा, बट डेफिनेटली यस घर के अंदर ही कुछ फिर अपने जो सेकेंड हॉबीज़ हैं अदर्स वाली, उन सबको करना स्टार्ट किया है एंड उनके सारे सेटअप कर दिए हैं, बिकॉज उनको भी पैरेलल टाइम दे रहा था बट अब थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम है। तो चलिए, एंड इससे आप कोरोना वायरस, इट्स नॉट दैट मच कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बट हाँ ये बड़ा जब हो जाता है जब हम अपनी केयर नहीं करते या सोसाइटी में हम वो चीज़ करने लग जाते हैं जो कि मना है करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस। हम सब एजुकेटेड हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, बट दूसरी कंट्रियों में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगर हम उनको देख करके ही सीख जाएं तो आई डोंट थिंक कि ये कोरोना हो या कोई भी प्रॉब्लम हमारे देश को कहीं से भी तोड़ सकती है। बट आई थिंक वी ऑल आर यूनाइट एंड वी नो हाउ टू फाइट एंड डील विद दिस सिचुएशन ऑल्सो, सो आई नो हम जीतेंगे एंड हम करके दिखाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।